अस्सलामुअलैकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड हमने स्टार्ट किए हुए थे। ये जो हमने लास्ट टाइम रिएक्शन डिस्कस किया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दो तरह के रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज तीन तरह के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ये सिंपल से रिएक्शन है, इसमें कोई भी ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ होना बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें से एक रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा जी? वर्ड सिंथेसिस। तो ये वर्ड्स रिएक्शन भी कहते हैं और वर्ड सिंथेसिस भी कहते हैं। ये हमारे पास मेन रिएक्शन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। वर्ड्स सिंथेसिस, सिंथेसिस। अब एक बात याद रखिए, वर्ड साइंसदान का नाम है पहले नंबर पे, सही है। जो भी रिएक्शन साइंसदान के नाम पे होगा, जो भी रिएक्शन साइंसदान के नाम पे होगा, उस रिएक्शन को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मसलन आपने कॉल्स मेथड पढ़ा हुआ है, वुल्फ क्विस्ट रिडक्शन पढ़ा हुआ है, सही, क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ी हुई है, तो ये सारे के सारे साइंसदानों के नाम पे हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वर्ड सिंथेसिस हमने और भी जगह पढ़ी हुई, चैप्टर नंबर 9 में अगर बात करूँ, मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बेंजीन, मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हमने वर्ड सिंथेसिस की थी, जहाँ पर बेंजीन के ऊपर अल्काइल हैलाइड हैलोजन लगा होता था, साथ में हम इसका सोडियम मैटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वर्ड सिंथेसिस करवाने के लिए आपके पास एक ही चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके पास कंडीशन में, ऊपर एक लाइन छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी बातें लिखेंगे, कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे होनी चाहिए वो है सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, और इसके बाद कोई ना कोई इनर्ट सॉल्वेंट होना चाहिए। अच्छा, इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या है? एक बात याद रखिएगा, जो सोडियम मेटल है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, अगर पानी के अंदर डालते हैं पानी को आग लगा देती है, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसलिए हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है जिसके साथ सोडियम मेटल रिएक्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ के साथ रिएक्शन करे जिसके साथ हम करवाना चाह रहे हैं, सही। अब इसमें नेक्स्ट बात आ जाएगी रिएक्शंस की, रिएक्शंस को गौर से देखिएगा, सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हो क्या रहा है। सही, मैंने एक चीज़ ली है ये वाली अल्काइल हैलाइड, क्योंकि रिएक्शन हमने करवाना है अल्काइल हैलाइड का, चेक कीजिएगा, ये वाला मैंने अल्काइल हैलाइड लगाया है, यहाँ पे BR लगा दिया, सही है, तो मैं इस BR को ना यहाँ BR लगा दिया, इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम मेटल से, 2Na लिख रहा हूँ, फिर दोबारा BR लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी यानी कि मैंने सेम मॉलिक्यूल दो तरह के दो जगह पे लिख दिए हैं ताकि इस रिएक्शन को मैं समझ सकूं यहाँ पे हो क्या रहा है, ये चीज़ चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है गौर कीजिएगा, इस सोडियम ने इस ब्रोमीन के साथ मिलना है, इस सोडियम ने इस ब्रोमीन के साथ भी मिलना है, मिलने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाएगी? 2NaBr, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, और बाकी चीज़ कौन सी बची है? एक अल्काइल ग्रुप ये बचा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप ये बचा हुआ है, इसको इथाइल कहते हैं, इसको भी इथाइल कहते हैं, सही, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे पास ये वाली चीज़ बना देंगे। और ये वाली चीज़ मुझे गौर करके बताएं, कहीं अल्केन तो नहीं है, सही, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम अल्केन का नाम देते हैं। ये हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो गई है, मतलब अगर वर्ड सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवा दिया जाए तो कौन सी चीज़ बनती है प्रोडक्ट में? अल्केन। और अल्केन कौन से, गौर करें, ब्यूटेन है, सही है, एन, सही है, एन ब्यूटेन या सिंपल ब्यूटेन कह दें, सही है। यही बात हमने ऊपर थोड़ी सी वर्डिंग के अंदर लिखने लगी है, लगे कि वैन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं किसी के साथ, विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, इट फॉर्म्स, ये बना रहे होते हैं कौन सी चीज़ बनाएंगे? इट फॉर्म्स अल्केन एंड सोडियम हैलाइड, सही है। हैलाइड का मतलब क्या है कि सोडियम के साथ या तो सोडियम क्लोराइड Cl लगा होगा, अगर यहाँ पे Cl लगता है, सही है, अगर यहाँ पे आयोडीन लगाते हैं तो वहाँ पे भी साथ में सोडियम के साथ आयोडीन लगा होगा, ये सिंपल सी बात आपने जहन में रखनी है। अब इसके बाद आ जाए हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इस पे ज़रा गौर करें, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है? रिडक्शन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन के हवाले से, हाइड्रोजन के हवाले से हम रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। यही बात मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस चीज़ को हम रिडक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अब देखा हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है कहाँ पे? अल्काइल हैलाइड में। अब इसके लिए कंडीशंस कौन सी चाहिए? सही, कोशिश कीजिएगा कंडीशंस की अलहदा हेडिंग बना दें और रिएक्शन की अलहदा। हालांकि रिएक्शन के अंदर हमने कंडीशन लिखनी होती हैं, इसे हमने क्या किया जी, अलहदा ही हेडिंग बना दी है ताकि हमारे नंबर पूरे का पूरे आ जाएँ। सही, सोडियम अगर रिडक्शन करवाना चाहते तो हमारे पास कोई ना कोई एक्टिव मेटल होनी चाहिए। एक्टिव मेटल किस लिहाज है कि वो रिएक्शन करके क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को अपने साथ जोड़ सके। ये एक्टिव मेटल में आप जिंक मेटल यूज़ कर लें, मैग्नीशियम मेटल यूज़ कर लें, अमूमन हम क्या कहते हैं जिंक मेटल ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिंक मेटल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं HCl, HCl का अमूमन सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये आयोनाइज होता है, ये बात आपको पता होगी, जब HCl को वाटर के अंदर डाला जाता है और ये आयोनाइज होता है तो H पॉजिटिव बनाता है और साथ में Cl नेगेटिव बना रहा होता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब हमारे पास आ जाएगा रिएक्शन में क्या करना चाहिए, आपने कोई भी अल्काइल हैलाइड सेलेक्ट कर लेना है, ये चीज़ चेक कीजिएगा। रिएक्शन है हमारे पास CH2 और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया। अब इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ, चले Cl लगा देते हैं सही, क्योंकि हमने HCl लेना है, अगर HBr लेंगे तो फिर यहाँ Br लगाना पड़ेगा। ये हमारे अल्काइल क्लोराइड ले लिया है, इसका रिएक्शन करवा रहा है जिंक के साथ और साथ में HCl को मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, HCl को कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, किस फॉर्म में? आयोनाइज फॉर्म में। सही, ये HCl जो होता है वो आपका जैसा ही एक्वस फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहलाता है? क्योंकि जल्दी आयोनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव आयन जल्दी दे देता है और Cl नेगेटिव आयन जल्दी दे देता है, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब होना क्या है, ये जो आपका जिंक है ना, ये आपने नहीं लगाना इसके इर्द गिर्द ये खाने वगैरह, ये जिंक ने इसके साथ में मिलना है और इस क्लोरीन के साथ मिल जाना है और हमारे पास कौन सी चीज़ बना देगा, ZnCl2। अब देखें यहाँ से क्लोरीन उतरा है, यहाँ पे कौन सी चीज़ आके जुड़ेगी, ये वाला हाइड्रोजन एक बचा पड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन असल में आके यहाँ पे जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाली चीज़ हमारे पास फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद आपके अल्काइल हैलाइड का सबसे लास्ट वाला रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाने लगे हैं, रिएक्शन विद किस चीज़ के साथ रिएक्शन करवाने हैं, सोडियम लेड PbNH4 Pb, इसके साथ हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं। अब ना आपने चैप्टर नंबर 7 में एक टर्म पढ़ी होगी, नॉकिंग। नॉकिंग कहते हैं जो पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह इंजन के अंदर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से एक साउंड पैदा होती है, ये अमूमन ज़्यादा नॉमिनेट होती है जब वो सिलेंसर वगैरह उतार देते हैं, वो जो साउंड पैदा होती है ना बाइक के अंदर से सिलेंसर उतारने के बाद, उसको नॉकिंग कहते हैं। कहते हैं उस आवाज़ को हम कम कर सकते हैं, किस तरह कम कर सकते हैं, पहली कंडीशन कि आप जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं या डीजल यूज़ कर रहे हैं वो हायर ऑक्टेन नंबर वाला यूज़ कर लें। सेकेंड हमने क्या कहा था कि आप टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड, ये दो चीज़ें यूज़ कर लें। अब टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड को बनाते हैं किस तरह, असल में ये वाली चीज़ पाई जाती है, दो मेटल का एलॉय होता है, इस चीज़ का रिएक्शन करवा देते हैं किस चीज़ के साथ, इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड के साथ। सबसे पहले हम रिएक्शन ही देखते हैं, रिएक्शन क्योंकि इसमें कंडीशंस कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं, तो ये रिएक्शन में क्या होगा, आपने एक अल्काइल हैलाइड लेना है, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड, मैं सिंपल से स्टार्ट करूँगा CH3Cl और इसका रिएक्शन करवा देना है Na4Pb के साथ।
अब जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज बनेगी, आप गौर करें, इस एक सोडियम ने एक क्लोरीन के साथ मिलना है, यहां पे कितने क्लोरीन है, अभी तो एक ही है, अगर मैं यहां पे चार लगा दूं, यहां पे चार लगा दूं तो क्या होगा कि जो चार क्लोरीन जो यहां से उतरेंगे वो किसके साथ मिल जाएंगे, चार सोडियम के साथ, और हमारे पास बन जाएगा NaCl कितने, फोर। जरूरी नहीं इक्वेशन बैलेंस करें, लेकिन जहां तक आप कर सकते उतनी तो कम से कम कर दें, जब 4NaCl बन जाएगा। अब बाकी चीज चेक करें, कितने मिथाइल ग्रुप बने हुए हैं, बचे हुए हैं चार। अब जो लेड होता है ना, ये लेड है फैमिली, किस फैमिली से रिलेट करता है ये बात याद रखिएगा, ये कार्बन फैमिली से रिलेट करता है, कार्बन फैमिली के नीचे ही लेड मौजूद होता है, लेड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे कार्बन फैमिली से रिलेट करते हैं। और इसके अंदर खास बात ये होती है कार्बन फैमिली में कि चार बॉन्ड बना सकते हैं, यहां पे भी गौर कर लें तो लेड के चार बॉन्ड बने किसके साथ, सोडियम के साथ। अब चार बॉन्ड यही बना लेता है किसके साथ, मिथाइल के साथ, ये वाला ग्रुप मिथाइल कहलाता है, चार मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसको कहते हैं टेट्रा मिथाइल लेड। और इसको ना हम सिंपली इस तरह भी बार दफा रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेट्रा मिथाइल लेड, TML भी बार दफा कह देते हैं, सही है, TML, टेट्रा मिथाइल लेड। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखें, मैंने आप क्या किया, सिंपल काम करूंगा, मिथाइल क्लोराइड की जगह पे इथाइल क्लोराइड लूंगा, सही है, मिथाइल क्लोराइड की जगह पे कौन सा लेने लगा हूं, इथाइल क्लोराइड। चलो जी, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, CH3CH2Cl, और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया है Na4Pb के साथ, सोडियम लेड के साथ, और हमारे पास चीजें कौन कौन सी बनेंगी, यहाँ पे सेम काम है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसी की जगह पे हम क्या कर देंगे, मिथाइल ग्रुप लगा लेंगे, और कितने लगाएंगे, चार लगाएंगे, और इसके साथ हमारे पास बन जाएगा 4NaCl, और इसका नाम क्या होगा, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, और इसको हम अमूमन इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, TEL, टेल, सही है। ये थे हमारे पास सारे के सारे रिएक्शंस, इसका कुछ वर्डिंग अगर लिखनी हो तो किस इस तरह लिख सकते हैं, जब मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करते हैं सोडियम लेड के साथ, या सिंपल फॉर्म में लिखते हैं Na4Pb के साथ, तो ये TML और TEL पैदा करते हैं। चलिए थोड़ी सी वर्डिंग लिखते हैं, व्हेन इथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड जब रिएक्ट विद जब ये रिएक्शन करते हैं किस चीज़ के साथ, Na4Pb के साथ, देन तो फिर ये काम क्या करते हैं, देन इट फॉर्म और ये बना देते हैं फॉर्म, कौन सी चीज़ बना देंगे, टी या पूरा नाम लिख रहे हैं, टेट्रा मिथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड एंड टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा ये मिथाइल लिखा हुआ, यहाँ पर इथाइल लिखेंगे, इथाइल लेड, ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।